अभी मैं यहाँ पांडू पोखर के पास आ चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ मैं। ये आप मेरे पीछे बोट देख रहे होंगे पांडू पोखर का। तो मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, मैं येलो बैंड के साथ जाऊँगा। जो भी 2-3-4 इसमें एक्टिविटीज़ है जो मुझे पसंद आ रहा है, और अदर एक्टिविटीज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आई विल गो विथ माई नो ब्लू येलो बैंड एंड ग्रीन बैंड और वाइट बैंड है, उसमें से मैं येलो बैंड के साथ जाऊंगा, जो 200 रुपीज़ चार्ज करेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट के पास चलता हूं, क्या बोलता है। येलो बैंड एक दीजिएगा, ऑल एक्टिविटीज़ है ना। और ग्रीन बैंड के साथ क्या क्या है, और वाइट बैंड के साथ केवल एंट्री है। ठीक है, एक ग्रीन बैंड दे दीजिए, एक येलो बैंड दे दीजिए। 280 280 रुपीस पे करना पड़ेगा। येलो बैंड फॉर मी, मैं रिसीव कर चुका हूँ, अभी चलते हैं अंदर। लगाना पड़ेगा, इस तरह का पास है, एंट्री पास। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, चलते हैं भाई। पार्क तो बहुत अच्छा है, बट बैंड बहुत ज़्यादा महंगा है। वाइट बैंड, येलो बैंड और ग्रीन बैंड, जिसमें से येलो बैंड एक्सपेंसिव है, ग्रीन बैंड मेड वन एंड वाइट बैंड ओनली फॉर एंट्री, सिर्फ एंट्री कर सकते हैं आप। ऑल एक्टिविटीज़ के लिए आपको येलो बैंड लेना ही पड़ेगा, जो मैं अभी येलो बैंड के साथ एंट्री आया हूँ। देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाती है। देखिए वाइट बैंड, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, वाइट बैंड 60 पर पर्सन मंडे टू फ्राइडे, 75 सैटरडे और संडे। येलो बैंड ऑल एंट्री प्लस ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड, मंडे टू फ्राइडे 200, सैटरडे टू संडे 250। ग्रीन बैंड एंट्री बोटिंग और नथिंग, और कुछ नहीं है, मंडे टू फ्राइडे 80 और सैटरडे टू संडे 100। सो पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होगा, चलिए देखते हैं। अभी मैं जीप लाइन के लिए जा रहा हूँ, जीप लाइन राइड, अभी मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। चढ़ तो गया हूँ, एक और ऊपर जाना पड़ेगा सड़ी। पांडू फोकर का एडवेंचर, येलो बैंड। अभी हेलमेट और ये बेल्ट लगाना पड़ेगा। ये क्या बॉडी बेल्ट है, ये हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस। अच्छा, बॉडी फुल बॉडी हार्नेस है जीप लाइन का। ओके, इसमें पैर डाल दिए नीचे, वहीं रुक जाना बाबू, वहीं में वहीं रुको, सीढ़ी पे इधर में। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। पकड़िए,
ये यहाँ पे जब जाएंगे तो इस ऐसे करके रख लीजिएगा, लेके भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ले जा सकते हैं, एक हाथ से पकड़िए उसको, चेहरा सीधा रखिएगा, लास्ट में जाके बालू पे खड़े हो जाएगा, इस पर थोड़ा ध्यान देके रखिएगा, ठीक ना। पकड़ लीजिए। ओह माय गॉड, थोड़ा डर लगा तो मुझे। इस येलो बैंड में सिर्फ वन टाइम होता है या कितना टाइम होता है? अनलिमिटेड है। अगले बार फिर से मैं ट्राई करूंगा, थोड़ा डर गया था बट अभी ठीक लग रहा। पहले तो मुझे लग रहा था कि वेस्ट ऑफ मनी, बट जीप राइड करने के बाद लगा कि ये वाकई में जो पैसा है येलो बैंड का फुल एंटरटेनिंग है। इस बार मैं ये राइड का नाम क्या है? बर्मा ब्रिज। और ये रहा इक्विपमेंट्स का, हेलमेट, ये हुक है, और ये सेफ्टी के लिए ये बेल्ट दिया जा रहा है। कैसा लग रहा था? बहुत डर लग रहा था लेकिन अब ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, चलो। चलो आ जा, चढ़ू। ये पूरा एडवेंचर करने के लिए रेडी। आ जाओ चलो आगे। क्या नाम है? अरमान राज। एक बार हाय बोल दो, तुम्हारा वीडियो भी रहेगा उसमें। हाय। अब ये छोटा बच्चा है जो भी ले रहा है, इसका नाम राज, अरमान राज। ये तो मुझे ये करना पड़ेगा ना, ये ले जाने सकते हैं शायद, ऐसे ले जा सकते हैं? जाइए, बनेगा तो पॉकेट में रखते हैं, अगर आपको जैसा लग रहा है वैसा आप कीजिए। इसको पॉकेट में डाल लेता हूँ तो बाद में आपको दिक्कत ना। थोड़ा पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके वजह से मुझे दोनों हाथ फ्री चाहिए, इसके वजह से मैं ये जो कैमरा है पॉकेट में डाल रहा हूँ। ये पूरा झुकता है इसका, ये जो है अलग ये हुक दिया है इसलिए कि अगर टूट जाता है ये मान लो तो आपको हैंड कर, जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे ये बेल्ट भी आगे बढ़ेगा। पांड पोखर रियली अमेजिंग। नहीं गिरेगा, टेंशन मत लो, वो थोड़ा सा घबरा रहा है। पैर को बस सीधे रखिएगा, सीधा नहीं पैर रखिएगा, इस तरह से, इस तरह रखना, इस तरह से, इस तरह से चाहे आपको जैसे कंफर्टेबल। हाँ वही तरह से चलिए, बढ़ने दे। नहीं चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैं रुक जाता हूँ।
वो आगे जो एक राज है वो जो थोड़ा डर रहा यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज हुआ है हल्का, और वहाँ से यहाँ आया हूँ मैं, यहाँ से फिर क्लिप चेंज किया गया, फिर यहाँ पे लगाने के बाद वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी चेंज करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं फिर से इसको मैं डाल देता हूँ अपना पॉकेट में GoPro। चलिए बढ़िया सर, बढ़िया ना, हिलेगा तो ना मतलब बच्चा कहीं भी आएगा। हिलाइए थोड़ा, इसी तरह जाना है। थोड़ा सा जो पूरा मूव कर रहा है, अभी मैं रस्सी पे चल रहा हूँ, पूरा हिल रहा है। अगर टूटा सेफ्टी तो लगा हुआ है, गिर नहीं जाऊंगा, हैंग हो जाऊंगा मैं। चलो पहुंच ही गया हूं मैं, और राज हनुमान राज है जो आगे तक चला गया गया है, शायद 10 साल का या 11 साल का होगा। फुल डे एडवेंचर है, अगर आप मॉर्निंग में आते हैं राजगीर घूमने के लिए, अगर प्लान करते हैं तो पांडू पोखर भी घूमना ना भूलें, बहुत ही अच्छा एडवेंचर करने को मिलेगा।
आ गया हूँ, बीच में हूँ। सबसे टफेस्ट पॉइंट यही है, बाकी तो बहुत इजी था, बट ये बहुत ज्यादा टफ है। बहुत ज्यादा टफ है, वाह ये जो बाकी बहुत इजी था, बट ये वाला जो एडवेंचर है पूरा, ये दोनों हाथ बहुत दर्द दे रहा है और ऊपर से जान भी। अगर आपके पास स्टेमिना है तभी आप कीजिए, नहीं तो वहाँ से आप कट कर सकते हैं। उतरने का इधर से है ना, पूरा हाथ अकड़न हो गया हल्का। चलते हैं नीचे, शरीर ओपन कर चुका हूँ मैं सारा बेल्ट, और चलते हैं अलग एडवेंचर पे। हाथ बहुत अकड़ गया मेरा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार, बहुत बंजी जंपिंग बहुत अच्छा गेम है, और आप चलिए और इसके बाद फिर बताइएगा उतरने के बाद। ठीक है सर, और ये सर जो बोल रहे हैं उसका एक्सपीरियंस करने के बाद देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता रहता है। ओके चलिए, इस पे चढ़ जाना, फटेगा नहीं, ये इसमें लिखाना पूरा हैंग हो गया हूँ मैं। क्या वेट लगभग 70 ओवरलोड पड़ रहा है? नहीं है, वो 55 केजी वेट लिमिट है। अच्छा 55 केजी वेट लिमिट है, ज़्यादा वेट होने की वजह से ही नहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया मैं। चलते हैं आगे, और आगे जो भी है पांडू पोखर में येलो बैंड के लिए वो एक्सप्लोर करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं कैसा रहता है। जो हैंग करके तो भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट अगर लोड ले पाता तो और भी अच्छा लगता। मैं जिस तरह घोड़ा कटोरा जो पार्क था बगल में, घोड़ा कटोरा झील के बगल में, उसी तरह ये भी पहाड़ के बगल में ही है, बहुत क्लोज है माउंटेन ये पीछे कि वो कुछ व्यू ऐसा है। व्यू तो बहुत अच्छा है इस पार्क का, मगर गर्मी के टाइम में बहुत गर्मी होती है।
और नाइट में व्यू बहुत अच्छा। आप शाम में करीब 6 बजे तक, आप 6:30-7 बजे तक रह सकते हैं, उसके बाद ये पार्क क्लोज हो जाती है। सो यहाँ पे मैं बोटिंग पे आया हूँ। यहाँ पांडु पोखर में ज़्यादा बड़ा नहीं, हल्का बड़ा है, एक लेक भी है। इस लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे घोड़ा कटोरा की तरह लंबा कतार में लग के वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा बोट। और ये येलो ब्रांड और ग्रीन ब्रांड दोनों अलाउ करता है, तो अभी चलते हैं और लेते हैं एक बोट और बैठते हैं अंदर। जैकेट तो बहुत गंदा है, बट क्या करूं, एक लेना ही पड़ेगा। रूल इज रूल। अभी मैं येलो बैंड में ये बोटिंग भी इंक्लूड था, तो मैं बोटिंग ले लिया हूं, बोटिंग भी कर रहा हूं। इस बार बोट, अगले बार बोट सेलेक्ट किया था येलो, इस बार मिला है ऑरेंज। वहां पे जैकेट नहीं मिला था घोड़ा कटोरा में, बट यहाँ जैकेट भी दिया जा रहा है, नेसेसरी है पहनना। झील में एक स्टैचू है बड़ा सा, ये पांडु नाम है स्टैचू का, मतलब 2-3 चीज़ ऐसा है जिसमें जिससे गया कि येलो बैंड का ऐसा वेस्ट नहीं किया आपका, तो कुछ भी वैसा है। ये है सेल्फी पॉइंट ओनली फॉर येलो बैंड के लिए, आपको एंट्री से एंट्री लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आके आप इवनिंग में सेल्फी ले सकते हैं बगल में तालाब के छोटे हुए माउंटेन का व्यू। उसके बाद हम लोग वापस जा रहे हैं। मैं पांडु पोखर में तालाब में कितने मछलियाँ होते देख सकता हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो मैं देखा बहुत सारा मछली है यहाँ पे। ये मछली थोड़ा अलग टाइप का है, पता नहीं कौन सा मछली है, बट बहुत सारा ये काला 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 जो दिख रहा है सारे मछली हैं। तो अभी मैं बुल राइड करने जा रहा हूँ, तो चलते हैं और बुल राइड का एंजॉय लेते हैं, एंजॉय करते हैं बुल राइड एक्सपीरियंस कैसा होता है। अब बुल राइड वो जो है, बुल राइड आप कोई इंग्लिश मूवी में देख चुके होंगे या बॉलीवुड का मूवी में, क्लब वलब में लगा होता है उसी टाइप का। चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। बोट राइड एडवेंचर करने के लिए आ चुका हूँ मैं, ये रहा मेरा पूल और मैं करूँगा राइड। अभी ये ऑन होगा, आपके सामने रेडी होगा, देखिए कैसे होता है। हवा भरा भरा जा रहा है इसमें, ठीक है ऑन हो रहा है, इसमें आवाज आ रहा है। आवाज आने के बाद मैं अपना शूज खोल देता हूँ। दोनों तरफ पैर अपने पैर कर लीजिए, ताला से पकड़ना है, अपने तरफ रखना है, तीन से मुंह बचाना है। रेडी? हाँ बोलिए।
जब आप चढ़िएगा तो गोल गोल घूमता है थोड़ा सा, जब जस्ट स्पीड में घूमने लगता है तो पकड़ छूट जाती है, तब वो नीचे फेंक देता है। और बट ये बुल राइड बहुत अच्छा लगा, इसमें से जितना भी एडवेंचर है सबसे अच्छा मुझे लगा जीप लाइन, उसके बाद ये बुल राइड बहुत बहुत ही मतलब एडवेंचर है। आप जितना कितना देर तक आप उस पर टिक पाते हैं। सो ये पांडू पोखर का टूर तो कंप्लीट हो गया, सारा एडवेंचर भी कर लिए, अभी बाहर निकल चुका हूँ। बाहर निकलते समय बैंड काट कर रिमूव कर लेते।